सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हो? कैसे चल रही थी आपकी पढ़ाई इतने दिनों में? बढ़िया अध्ययन किया? बढ़िया किया सर। स्वाध्याय किया आपने इतने दिनों में? छुट्टी मारी है 2-3 दिन में, है ना? छुट्टी तो आपने की है सर। चलो कोई बात नहीं, काम हो गया था थोड़ा तो। चलो अपने बात कर रहे थे इतिहास में किसकी? दिल्ली सल्तनत। किस चीज की? दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो बाकी चीजें तो मैंने बता दी आपको, ठीक है। अपने कर रहे थे गुलाम वंश। किस वंश की बात कर रहे थे? गुलाम वंश। अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपने सारी चीजें पढ़ ली। अपने किसके बारे में बात करेंगे? इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। नंबर दो शासक है इल्तुतमिश। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में बात की जाए तो इल्बरी तुर्क था ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कितने में? 1,00,000 जितल में, 1,00,000 जितल में खरीदा था, ठीक है। तो ये किसका गुलाम हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ, ठीक है। खरीदा और प्लस ऐबक ने अपनी पुत्री पुत्री का विवाह इससे किया, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है और इसको खरीद लेता है, ठीक है। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या है? गुलाम भी कहा जाता है। हो गया ना गुलामों का गुलाम, ठीक है। गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता है। और एक चीज जिसके बारे में याद रखना कि सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं उत्तर प्रदेश, कहां पर? बदायूं यूपी यानी उत्तर प्रदेश का सूबेदार था ये। क्या था? सूबेदार था। कौन? इल्तुतमिश। और एक चीज याद रखना कि प्रथम ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत पर जिसने क्या है सुल्तान की उपाधि धारण की है। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की थी ना, ठीक है। तो इसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है ये। क्या ये प्रथम शासक है? ये क्या है? प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पड़ा उसने चीज नहीं की। और याद रखना इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। क्या किए थे? अपने नाम के सिक्के भी चलाए, ठीक है। दो प्रकार के सिक्के थे। कितने प्रकार के सिक्के थे? दो प्रकार के सिक्के थे। इनसे से मिटा दूं? मिटा दूं, ठीक है। दो प्रकार के सिक्के कौन कौन से थे मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक तो चांदी टंका प्रकार के, ठीक है। दूसरा तांबा जितल प्रकार के, ठीक है। और दोनों ही क्या है? शुद्ध अरबी सिक्के थे। क्या थे दोनों ही? बिल्कुल ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। शुद्ध अरबी सिक्के, ठीक है। दोनों ही शुद्ध अरबी सिक्के थे। और अगर इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात की जाए तो इसने लाहौर से राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर दी?
दिल्ली में, ठीक है, मिटा दूं मिर्च से, चीजें लिख तो ली ना। अच्छा अब देखो, इसने राजधानी लाहौर से कहां पर स्थानांतरित कर दी, दिल्ली। स्थानांतरित की। अच्छा अब राजधानी दिल्ली से, सॉरी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर रहा है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? बिल्कुल दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। कौन है? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रीजन आपके सामने है क्योंकि लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी। और ये चीज याद रखना, इसने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने शासन को या अपने प्रशासन को कह सकते हो आप, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया इसने? एक 40 सरदारों का एक दल बनाया। क्या किया? 40 सरदारों का दल बनाया। और अगर बात की जाए तो यही दल क्या कहलाया? तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहलाया? तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है इसको। 40 दल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 40 दल भी कहते हैं इसको। और आप इसको क्या कह सकते हो? गुलाम 40। क्या नाम है? तो गुलामों के गुलाम है सभी यहां पे। गुलाम 40 इसको कहा जाता है, ठीक है। तुर्कान चहलगानी या फिर 40 दल या फिर गुलाम 40 बीस 40 सरदारों के दल को कहा जाता है। और अगर बात की जाए तो याद रखना कि इस 40 दल का, इस 40 दल का कौन है? बलबन भी सदस्य था। कौन सदस्य था? मैं यहां पर लिख रहा हूं बलबन, ठीक है। कौन सदस्य था? बलबन भी इस 40 दल का सदस्य था इल्तुतमिश के समय। और अगर बात की जाए तो यही बलबन क्या करेगा? इस दल का खंडन करेगा। और इसके जस्ट बाद में जब हम रजिया सुल्ताना पढ़ेंगे तो उसके बाद में बलबन शासक बनता है। असल तौर पे ये शासक नहीं बनता, ये छिपकर शासन करता है, कहने का मतलब इसी के अंडर में शासन करता है। वो कैसे? वो सारी चीज आगे पढ़ेंगे, एक बार पढ़े लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। मिटा दूं सारी चीजें, मिटा दूं सुव्यवस्था। अच्छा अब देखो, अब ये क्या करता है कि आक्रमण, देखो युद्ध हुआ त्राइन का, तृतीय युद्ध त्राइन का, तृतीय युद्ध त्राइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। पहले वाले दो पता है ना? यस सर। गौरी पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट सेकंड दोनों युद्ध आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में त्राइन का ये तृतीय युद्ध है। त्राइन का ये क्या है? तृतीय युद्ध है। और त्राइन की तृतीय युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये इल्तुतमिश और किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश और वर्सेस यालदोज। यालदोज कौन है? गजनी का सूबेदार है ये, गजनी का सूबेदार है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यालदोज मारा गया। इल्तुतमिश ने यहां का क्या शासक, ठीक है, या सूबेदार जिसको कह रहा हूं मैं, किसको नियुक्त किया? नियुक्त किया ख्वारिज्म शाह को। किसको? ख्वारिज्म शाह को। ख्वारिज्म शाह को यह क्या करता है? यहां का सूबेदार नियुक्त करता है।
और इसी का एक पुत्र जिसका नाम मैंने बताया मंगवर्नी। क्या नाम था? मंगवर्नी। मंगवर्नी ठीक है, इसका पुत्र मंगवर्नी था। इसको नियुक्त कर दिया है गजनी के अंदर सूबेदार के रूप में। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब अपने जो वहां से मेन स्टोरी काम करती है वहां पे चलते हैं कि 1221 ईस्वी में क्या हुआ, मंगोल आक्रांता चंगेज खान का क्या हुआ आक्रमण गजनी पर। शासक कौन था? मंगवर्नी। शासक कौन था? मंगवर्नी। बिठा दूं? बिठा दूं। अच्छा अब देखो, बारह सो इक्कीस ईस्वी में मंगोल आक्रांता चंगेज खान का आक्रमण हुआ गजनी, याद आप वहां का शासक कौन था? मंगवर्नी। कौन था? मंगवर्नी। ठीक है, गजनी पर इसका आक्रमण हुआ और यहां से देखो मंगवर्नी सहायता के लिए इल्तुतमिश के पास गया, परंतु उसने मना कर दिया। सहायता के लिए उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, उसकी चातुर्यक बौद्धता कुछ भी मान सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, ज्यादातर तो क्या है कि भविष्य के लिए बौद्धिक चातुर्यता मानी जाती है इसकी, भविष्य के लिए किसकी? बौद्धिक चातुर्यता मानी जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश की, क्यों? क्योंकि अगर इसका साथ दे देता वहां पर तो मंगोल उस टाइम में दिल्ली पर क्या कर लेते? शासन कर देते। क्योंकि क्यों कर देते? क्योंकि मंगोल उस टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे मध्य एशिया के अंदर। ठीक है, और इसमें भी अगर चीज की बात की जाए तो देखो अभी तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो इतना कोई गुड़ मिली भी नहीं चीजें ना, तो इसीलिए क्या है कि इसकी बौद्धिक चातुर्यता मानी जाती है भविष्य के लिए। इसने तीसरी आंख खोल ली कि नहीं भी मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि जो चंगेज खान जो था, कौन है चंगेज खान, मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया था। कहां तक आया? सिंधु, पीछा करते सिंधु नदी तक आया। अगर वहां से थोड़ा सा आगे भारत में आ जाता तो फिर कुछ नहीं होता, फिर आज दिल्ली सल्तनत नहीं, वहां पर ये मंगोलों का ही होता सारा राजपाट। ठीक है, 1526 में तो फिर हो ही गया था फिर। ठीक है, सिंधु नदी तक आया ये, तो इस तरह से क्या हुआ, गजनी पर मंगोल छा गए। ठीक है, और दिल्ली पर इल्तुतमिश बना रहा। अच्छा, इसके बाद में अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश के समय एक प्रणाली, बिठा दूं? बिठा दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, आप इस क्लास को दोबारा से रिवाइज करके देख सकती हो यूट्यूब पर। ठीक है, AEEM का ये चैनल है, आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल पता है। ठीक है, अच्छा, एक एकता प्रणाली स्टार्ट की गई इस टाइम, एकता प्रणाली। अच्छा, इस एकता प्रणाली की अगर मैं बात करूं इसने चलाई तो सैनिकों या फिर कोई भी है, चलो कोई भी सदस्य मान सकते हैं आप। ठीक है, इसने वेतन के बदले, वेतन के, इसने क्या है, वेतन के बदले भूमि या फिर जमीन, ठीक है, भूमि का टुकड़ा या फिर जागीर दी जाती थी। ठीक है, किसमें? एकता प्रणाली में, कि वेतन के बदले आपको जागीर दी गई है या फिर भूमि टुकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? एकता प्रणाली। और इसमें जो इसको प्राप्त करता था वो क्या कहलाता था? इक्तेदार। ठीक है, इसको प्राप्त करता, जो इसको
प्राप्त करता था वो क्या कहलाता था, आपका इक्तेदार कहलाता था। ठीक है, हालांकि सूत्रों के अनुसार ये चीजें मिलती हैं कि गौरी ने भी इस प्रणाली को चलाने का क्या किया था, प्रयास किया था, बट वो विफल रहा। और वास्तविक रूप से इस चीज का संस्थापक कौन माना जाता है, अपना इल्तुतमिश माना जाता है। लिख लेना चाहे, गौरी ने प्रयास जरूर किया था इस चीज के लिए, गौरी ने भी प्रयास किया परंतु वास्तविक संस्थापक कौन है इसका, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये चीजें आपकी लगभग लगभग इतनी है। अच्छा, इस एक इसकी चीज को मैंने पहले भी बताया आपको, कुतुब मीनार पढ़ाई तो बताई थी ना कि 2 से 4 मंजिल तक, 2 से 4 मंजिल तक कुतुब मीनार का जो निर्माण है, निर्माण इसके शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, इसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एक चीज और इसके बारे में इंपॉर्टेंट मिलती है, बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है, मिटा दूं एक बार मैं फिर आपको लिखवाता हूं। देखो, इसने अपने पुत्र की याद में, किसने, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में एक मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी का। कौन सा, सुल्तानगढ़ी का एक मकबरा बनवाया था मदरसा ए नासिरी के नाम से। भारत में निर्मित तुर्क, भारत में निर्मित तुर्कों द्वारा प्रथम मकबरा माना जाता है। ये क्या माना जाता है, प्रथम मकबरा माना जाता है इसने जो निर्माण करवाया। कौन सा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो इसने अपने पुत्र की याद में बनवाया, अपने पुत्र की याद में बनवाया। और अगर बात की जाए तो यही क्या है, मदरसा ए नासिरी कहलाता है, मदरसा ए नासिरी। और बात की जाए तो भारत में, किसमें, भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम मकबरा माना जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि जो इल्तुतमिश का खुद का जो मकबरा है ना, इल्तुतमिश का खुद का जो मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा सक्रीत शैली में बना हुआ है। सक्रीत शैली की अगर मैं बात करूं तो इंडो ईरानी जो शैली होती है वो कौन सी है, सक्रीत शैली। इसका खुद का जो मकबरा बना हुआ है वो कौन सी शैली बना हुआ है, सक्रीत शैली में बना हुआ है। सक्रीत शैली अगर मैं कहूं तो इंडो ईरानी शैली, कौन सी, इंडो ईरानी शैली में खुद इल्तुतमिश का मकबरा बना हुआ है। और ये छत विहीन है, ऊपर से छत विहीन है, मतलब इसकी छत नहीं है। ये जो मकबरा है इसका, स्क्रीच शैली में जो बना हुआ मकबरा होता है, कहने का मतलब इसका जो मकबरा बना हुआ है वो क्या है, छत विहीन है, मतलब उसकी छत नहीं है। क्या नहीं, उसकी छत नहीं है। और अगर इसकी बात की जाए तो दिल्ली में है ये, कहां पर है ये, दिल्ली में। ये चीज याद रखना। अच्छा, एक चीज याद रखना कि सारी चीज इसके बारे में हो चुकी है, मृत्यु कब हुई इसकी वो चीज याद रखना। बामियान अफगान अभियान पर ये जाते वक्त बीमार हो जाता है, और बीमार हो गया जब वापस दिल्ली आता है, तो दिल्ली में आने पर इसकी 29 अप्रैल कब, 29 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस चीज याद रखना, तो मिटा के लिख दूं मैं। अच्छा, याद रखना इस चीज को, 29 अप्रैल एग्जैक्ट डेट मिलती है, 29 अप्रैल की मृत्यु कहां पर, बामियान अफगान यानी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगान अभियान पर जाते वक्त
जाते वक्त बीमार पड़ने पर दिल्ली लौटने पर 29 अप्रैल कब 29 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, मृत्यु 1236 ईस्वी होगी। और शासनकाल देख रहे हैं आप, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा और 1211 ईस्वी से इसका शासनकाल स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का शासनकाल कितना है, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। ठीक है, और कल अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, रजिया सुल्ताना के बारे में, और रजिया सुल्ताना के बाद में अपने किसकी बात करेंगे, बल्लभन की बात करेंगे। रजिया सुल्ताना के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें फिर से मैं वही चीजें बता देता हूं कि किस तरह से इस इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री क्या, कौन है, रजिया सुल्ताना, इसकी मृत्यु के बाद में इसने अपनी पुत्री, मृत्यु जस्ट पहले शासिका किसको बनाता है, रजिया सुल्ताना को बनाता है। ठीक है, पहली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, और अगर बात की जाए तो यही रजिया सुल्ताना क्या है कि बठिंडा का जो गवर्नर होता है अल्तुनिया उससे विवाह करती है। अमीर तुर्क क्या करते हैं, इस रजिया सुल्ताना को पद से हटा देते हैं और शासक इसको बना देते हैं, फिरोज रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है उसको बना देते हैं। तभी क्या है, एक दिन जो शुक्रवार यानी जुम्मा की जो नमाज होती है वो अदा करने के लिए लाल वस्त्र पहन के क्या है कि रजिया जाती है और जनता से आह्वान करती है कि मेरा साथ दो, क्योंकि फिरोज रुकनुद्दीन जो था वो एक अच्छा शासक नहीं था, उसको हटाना चाहती थी कुछ जनता भी, और जनता ने साथ दिया और फिर से रजिया सुल्ताना को क्या कर दिया, शासिका बना दिया गया। ठीक है, और याद रखना कि सभी जनता ने, सभी दिल्ली की जनता ने अपना शासक चुना है। ठीक है, और इसके बारे में भी एक चीज है कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश जो है उसके बारे में चीज प्रसिद्ध है कि दिल्ली सल्तनत का चीज, और चलो लिख लेता हूं, दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शासक माना जाता है, कहां का, दिल्ली सल्तनत का, कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, और रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया की अगर मैं बात करूं, दोनों पति पत्नी की बात करूं, तो एक दिन क्या है कि केथल हरियाणा के पास में जाते वक्त यात्रा आ रहे थे, रस्ते में केथल हरियाणा में डाकुओं ने इनको लूटा और लूटकर क्या इन दोनों को मार दिया। ठीक है, तो कल अपने बात करेंगे किसकी, रजिया सुल्ताना और बलबन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं, इसके लिए आपका धन्यवाद।